हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ DRDO फायरमैन के फिजिकल के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जो ऑफिसर साइड में जो नोटिफिकेशन दिया गया था फायरमैन फिजिकल की जो प्रोसेस था, फाइन दोस्तों उसे चेंज कर दिया गया है। नया यहाँ पर ऑफिसर साइड पर नई नोटिस जारी कर दिया गया है, उसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं कि यहाँ पर फायरमैन के फिजिकल में क्या क्या हुआ। दोस्तों, फायरमैन का फिजिकल में क्या क्या हुआ, कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पर दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर DRDO फायरमैन के फिजिकल का जो प्रोसेस था उसको कुछ बदल दिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में लड़का और लड़कियों के यहाँ फिजिकल में क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या अब इस बार होने वाला है, कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले बात करें यहाँ पर हाइट, चेस्ट और वेट की। चाहे आप लड़का हो या फिर लड़की, दोनों की साथ साथ मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले बात करें यहाँ पर हाइट की बिना जूतों के। तो दोस्तों, लड़कों की यहाँ पर 165 सेंटीमीटर मांगी गई है बिना जूतों के, और लड़कियों की बात करें तो 157 सेंटीमीटर बिना जूतों के। दोस्तों, देख सकते हैं जो यहाँ पर नया नोटिस जारी किया गया है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। जो दोस्तों लड़कों की हाइट यहाँ पर 165 होनी चाहिए और लड़कियों की 157 सेंटीमीटर। और दोस्तों बात करें यहाँ पर चेस्ट की, तो दोस्तों मिनिमम लड़कों की जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फुल आप जो आपका होना चाहिए लड़कों का वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और दोस्तों बात करें यहाँ पर वेट की, वजन कितना होना चाहिए। तो दोस्तों लड़कों में 50 किलो वजन और लड़कियों में 45 किलो वजन होना जरूरी है। दोस्तों, हाइट, चेस्ट और वेट जो मैंने आपको बता रहा हूँ, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर इससे नीचे या इससे कम है तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। इससे जो भी कैंडिडेट यहाँ फिजिकल देने आए वो अपने हाइट, चेस्ट और वेट को काउंट करने के बाद यहाँ फिजिकल सेंटर पहुँचे। तो दोबारा से रिपीट कर दूँ कि लड़कों की हाइट 165+ में होनी चाहिए और लड़कियों की 157 सेंटीमीटर+ में, और लड़कों की चेस्ट 81 सेंटीमीटर मिनिमम और 5 सेंटीमीटर का फुलअप होना जरूरी है। और बात करूँ मैं वेट की, तो लड़कों का 50 किलो से ऊपर वजन होना चाहिए, लड़कियों का 45 किलो से। दोस्तों, यहाँ पर हाइट के हिसाब से वेट नहीं मांगा जाएगा। दोस्तों, हाइट का प्रोसेस अलग है और चेस्ट का और वेट का तीनों के यहाँ पर प्रोसेस अलग रहने वाला है। और दोस्तों बात आती है कि यहाँ पर मेडिकल, तो दोस्तों फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा जब आप यहाँ पर फिजिकल क्वालिफाई हो जाएंगे। पर दोस्तों उससे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल में क्या क्या होगा, रनिंग कितनी होगी। तो दोस्तों लड़कों की बात करते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों फायरमैन के फिजिकल में लड़कों की यहाँ पर 1600 मीटर की दौड़ होने वाली है, 7 मिनट का टाइम मिलेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये नया ऑफिशियल नोटिस है जिसमें यहाँ पर फिजिकल क्राइटेरिया या फिर प्रोसेस को चेंज कर दिया गया है। दोस्तों देख सकते हैं, अब जो यहाँ पर फायरमैन का फिजिकल होगा उसमें दौड़ आपकी 1600 मीटर की दौड़ होगी, 7 मिनट का टाइम मिलेगा। और जो कैंडिडेट यहाँ पर रनिंग क्रॉस करेगा फिर उनको यहाँ पर 63 किलो का कट्टा उठाकर 183 मीटर चलना होगा 96 सेकंड में। दोस्तों देख सकते हैं, कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है, ये खुद आपको उठाना होगा। 63 किलो का कट्टा लड़कों को खुद उठाकर चलना होगा 183 मीटर और 96 सेकंड में आपको पहुँचना होगा। और दोस्तों लड़कों के यहाँ पर 3 मीटर के यहाँ पर रस्सा चढ़ना होगा, देख सकते हैं। और लड़कों के यहाँ पर 20 सीटअप रहने वाली है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर लॉन्ग जंप भी रहने वाली है लड़कों की। दोस्तों 2.5 मीटर की यहाँ पर लॉन्ग जंप रहने वाली है। लड़कों को यहाँ पर 3 चांस मिलेंगे, जो कैंडिडेट यहाँ पर फिजिकल क्रॉस कर लेगा उनको यहाँ पर आगे मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। दोस्तों अब बात आती है यहाँ पर लड़कियों की, तो लड़कों की फिजिकल में क्या क्या होगा। दोस्तों देख सकते हैं, लड़कियों की यहाँ पर 800 मीटर की दौड़ होगी, 5 मिनट का टाइम मिलने वाला है, देख सकते हैं। दोस्तों लड़कियों को भी यहाँ पर 63 किलो का कट्टा उठाकर 183 मीटर चलना होगा 96 सेकंड में। दोस्तों देख सकते हैं, लड़कियों को भी कोई यहाँ पर हेल्प नहीं मिलने वाली है, लड़कियों को खुद कट्टा उठाकर खुद ही चलना होगा 183 मीटर चलना होगा 96 सेकंड में। और दोस्तों लड़कियों की भी यहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग होने वाली है, देख सकते हैं 2.5 मीटर के यहाँ पर रस्सा चढ़ना होगा, वो भी दोस्तों लड़कियों को। दोस्तों पैर लगा कर यहाँ पर रस्सा चढ़ना होगा लड़कियों को, और लड़कियों की यहाँ पर 15 सीटअप रखी गई हैं, लड़कियों को 15 सीटअप लगानी बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों इसी के साथ साथ लड़कियों के यहाँ पर लॉन्ग जंप भी रहने वाली है 2 मीटर की, और लड़कियों को भी यहाँ पर लॉन्ग जंप में 3 चांस मिलने वाले हैं, 100% यहाँ पर मिलने वाले हैं।
दोस्तों ये प्रोसेस था यहाँ पर DRDO फायरमैन के फिजिकल टेस्ट का। जो कैंडिडेट यहाँ पर चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोस्तों उनको दोबारा से रिपीट करते हैं कि यहाँ पर फायरमैन का जो फिजिकल होने वाला है उसमें बदलाव कर दिया गया है। जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये नया ऑफिशियल नोटिस है जिसमें यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया कि यहाँ पर फायरमैन का जो फिजिकल हुआ इसी क्राइटेरिया के हिसाब से होने वाला है इस बार फिजिकल। तो दोस्तों देख सकते हैं, वीडियो मिस ना करना शुरू से लेकर एंड तक देखें, जिससे कि आपको पता चल सके कि यहाँ पर फिजिकल में क्या क्या होने वाला है। और स्पेशल बात करूँ यहाँ पर लड़के और लड़कियों की, तो दोस्तों स्पेशल बात करूँ यहाँ पर 63 किलो कट्टा उठाने की। दोस्तों तो जो कैंडिडेट यहाँ पर फिजिकल देने आए वो घर पर ही प्रैक्टिस करके आए, क्योंकि दोस्तों लड़के एक बार उठा लेते हैं पर लड़कियों को 63 किलो का कट्टा उठाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। और दोस्तों फिजिकल से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझसे पर्सनली मैसेज करके इंस्टाग्राम पर या फिर टेलीग्राम पर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों इंस्टाग्राम टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करके मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट करना तो चैनल को जब सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों DRDO फिजिकल से रिलेटेड पर्पल की अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। इसलिए दोस्तों आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना।